नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेडमी एम आई 4 पर इस प्रॉब्लम को जो है फिक्स कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के अंदर पे कैंट सेट प्रोफाइल फोटो फॉर सिम कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो आखिर दोस्तों ये प्रॉब्लम आती क्यों है, कैसे करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो आज मैं आप लोगों को इसका सॉल्व करने का तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम किस वजह से आते हैं मैं आपको वो भी बताऊँगा, आपको क्या करना चाहिए वो भी दोस्तों इस वीडियो पर आपको पता चल जाएगा। सिंपली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज करें। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और फिक्स करते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले हम इसको बैक करते हैं और कॉन्टेक्स्ट पर जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम कोई कॉन्टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें भी सेट नहीं हो रहा है, इसमें भी सेट नहीं हो रहा है। कोई भी फ़ोटो यहाँ पर आप ले लीजिएगा, ठीक है, कोई भी कॉन्टेक्स्ट आप ले लीजिएगा, कहीं भी आप फ़ोटो सेट नहीं कर पा रहे, तो ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। हो क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि दोस्तों आपका जो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, वो सेफ्ट है सिम कार्ड कॉन्टेक्ट पर, ठीक है। आपके सिम जो है उसमें ये नंबर्स वगैरह कॉन्टेक्ट्स सेफ्ट हुआ है, तो उसी के वजह से जो भी सिम कॉन्टेक्ट यहाँ पर दोस्तों आपको ये शो कर रहे हैं ना, ठीक है, आप देख सकते हैं कैंट सेट प्रोफाइल फोटोज़ फॉर सिम कॉन्टेक्ट्स, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली वो बता रहे हैं जो भी कॉन्टेक्ट में सिम जो भी कॉन्टेक्ट सिम पे सेट किया हुआ है उन पे आप फोटोज़ ऐड नहीं कर सकते। तो आपको अभी करना क्या है, आपको दोस्तों जाना है थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है, ठीक है, थ्री डॉट्स ऊपर में, इसमें आपको क्लिक करना है और उसके बाद सेटिंग, ठीक है, सेटिंग पर जाइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टेक्ट पर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सिम पे कॉन्टेक्ट है तो दोस्तों आपको इंपोर्ट फ्रॉम सिम करना है। इंपोर्ट फ्रॉम सिम करने के बाद आपको एक अकाउंट सेलेक्ट करना है, मैं जीमेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आइए यहाँ पर हम जो है कोई नंबर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई नंबर हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, तो दोस्तों हम फिलहाल तो जो नंबर देख रहे थे वो नंबर यहाँ पर मुझे अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है, वरना आप यहाँ पर कहोगे कि वो नंबर डिफरेंट है, तो एक बार सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल तो वो जो नंबर था हम जिसमें प्रोफाइल पिक्चर ऐड करने की कोशिश कर रहे थे तो उनमें से ये भी एक थे, ठीक है। आपको नहीं लगता तो आप वीडियो को जो है थोड़ा सा रिवर्स करके देख सकते हैं, ये नंबर उसमें भी था और इसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रहा। तो आपको क्या करना है, आपको इस नंबर को सेलेक्ट करना है, इम्पोर्ट कर देना है और कॉन्टेक्ट इम्पोर्टेड फ्रॉम सिम कार्ड हो चुका है, अभी आपको बैक करना है। और यहाँ पे दोस्तों ये आप देख सकते हैं नंबर, ठीक है, ये नंबर यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुका है। तो जीमेल पे इम्पोर्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको अभी इस ब्लैंक स्पेस पर, ठीक है, क्लिक करना है। इसमें जैसे ही क्लिक करोगे आपको अभी नंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल चुका है, चूज़ फोटो फ्रॉम गैलरी करें, उसके बाद कोई भी फ़ोटोज ले ले और ओके करके उसको सेट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ट्रिक, यहाँ पर ट्रिक कम कर गया और हमारा जो कॉन्टेक्ट है वो भी सेट हो गया। यहाँ पर आप नंबर भी देख सकते हैं, नंबर बिल्कुल सेम है, ठीक है, नंबर पे कोई दिक्कत नहीं है, तो नंबर बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद होगा, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के इस वीडियो पर बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।